लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी शक्ल देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऐसी क्यों लग रही हूँ। एक्चुअली घर शिफ्ट किया है अभी अभी, तो बस उसी का काम फैला हुआ है सारा, वही सब काम निपटा रही थी। अभी आज की डेट में तो सिर्फ किचन सेट कर पाई हूँ और अभी बज गया है शाम का 5 और अब मैं नहाने जा रही हूँ, नहा के आती हूँ, फिर आप लोगों को आगे की चीज़ें दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कि इस टाइम घर की क्या कंडीशन है, सारा सामान किस तरीके से फैला पड़ा हुआ है। अभी दोनों में से एक भी रूम सेट नहीं हुआ है हमारा, और दिन भर, जबकि कल सफाई करने वालों को बुलाया था घर में, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो खुद से ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो सकती थी, तो बस वही एक बार दोबारा से मेहनत की मैंने सारी, और अभी बस किचन वगैरह है पूरी तरीके से सेट कर दिया। पूरी तरीके से घर सेट होने के बाद मैं आप लोगों को ढंग से दिखाऊंगी, अभी मैं बस आपको ये दिखाऊंगी कि घर की कंडीशन क्या हो रखी है इस टाइम, और पता नहीं कब जाके पूरा घर सेट हो पाएगा अच्छे से। तो चलिए फिर मैं फटाफट से नहा लेती हूँ पहले, और उसके बाद मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। सो गाइस, मैं नहा ली हूँ और नहा के बस हेड वॉश करके नहाई थी आज। दो दिन से इतना ज़्यादा पसीना पसीना, गर्मी और चिपचिप हो रही थी, पूरे बालों की हालत ख़राब हो रखी थी। आज मैंने शैम्पू किया है और अभी बस अमित के आने का वेट कर रही हूँ कि वो आ जाएंगे तो मैं हम दोनों के लिए चाय बनाऊँगी। देखते हैं वो कितनी देर में आते हैं, वैसे तो आजकल उनका टाइम एकदम सेट हो गया है, वो 6:30 अराउंड आ जाते हैं, तो बस उन्हीं का वेट कर रही हूँ। वो आज आगे का देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि आज दूसरा वाला रूम जो है उसको भी सेट कर लूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है करने के लिए, तो रात तक हो जाएगा। तो अमित आ जाएंगे अभी, तो फिर हम दोनों, चलिए फिर मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि घर की क्या कंडीशन है इस टाइम। ये देखिए सारा सामान फैला पड़ा हुआ है, इसमें से कुछ कार्टन्स तो मैं खाली कर चुकी हूँ, पर अभी कुछ में सामान भरा हुआ है, ये सब ट्रॉलीज वगैरह सब खाली करनी है, तो धीरे धीरे करके करते रहूँगी घर में रह के। और काफ़ी कुछ, मतलब किचन के तो ऑलमोस्ट कार्टन सब खाली हो चुके हैं, और थोड़ा बहुत ये कबाड़ा देखिए, ये सारे कार्टन्स खुलने के बाद जो पैक कर करके रखे थे उन लोगों ने, वो सब खोला है, तो ये सारा का सारा घर जो है अभी फैला पड़ा हुआ है। ये देखिए ये सब चीज़ें एज इट इज़ सब पड़ा हुआ है। देखिए धीरे धीरे करके हम लोग सेट करते रहेंगे। थोड़ा सा एक्चुअली ना मेंटेनेंस का काम बाकी था घर में, तो हम आ पहले गए थे और वो थोड़ा सा बाकी रह गया था होना, तो हमारे सामान पहुंचने के बाद तक वो काम चलता रहा, तो उसी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग गया, पर फाइनली अब धीरे धीरे सेटिंग शुरू हो रही है, कंप्लीट हो ही जाएगा बस। तो यही है सारा सामान जिसको उसकी अपनी अपनी जहाँ जहाँ जो जो जगह है वहाँ वहाँ सेट करना है। इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़े दिन में गंजी होने वाली हूँ, इतना इतना बाल निकल रहे हैं हेड वॉश करते हुए कि टेंशन होने लगी है। हालाँकि मैं कुछ सोच रखा है मैंने कि मैं अब वो ट्राई करूँगी इसके लिए, क्योंकि मैं पहले भी उसको यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला था उससे, तो वही सोच रही हूँ कि दोबारा से स्टार्ट करूँ, क्योंकि वैसे भी मॉनसून में नॉर्मली भी सबके हेयर, मतलब हेयर लॉस होने लगता है, बहुत ज़्यादा बाल निकलने लगते हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, पर मेरे संग कुछ ज़्यादा ही है, मुझे तो मतलब मॉनसून में थोड़ा बढ़ जाता है बस, ये बोल सकती हूँ, अदरवाइज़ तो मुझे 12 महीने हेड वॉश करते टाइम हेयर फॉल होता रहता है। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहा तो इस वजह से कुछ कर नहीं पाई इसके लिए, पर हाँ अब मैं थोड़ा सा सेटल हो जाऊँ पहले, फिर मैं अपना ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करूँगी ताकि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो। उसको देखते कि इतना स्ट्रेस होता रहता है, इतने इतने बाल गिर रहे हैं कि लग रहा है कि मतलब 4-6 हेड वॉश और सारे बाल गायब। तो बस अब 2-3 दिन में जहाँ तक है मैं पूरी तरीके से सेट हो जाऊँगी, मतलब घर भी सेट हो जाएगा और हम भी सेट हो जाएंगे, तो बस फिर मैं अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँगी। यही था मेरा एक छोटा सा व्लॉग, जो कि मैं अभी बैठी थी फ्री तो सोचा कि लाओ आप लोगों के संग कुछ
चीज़ें शेयर करना स्टार्ट करूँ। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे घर सेट होता जाएगा मैं आप लोगों के संग सब शेयर करूँगी, और जो भी मतलब जब पूरा घर सेट हो जाएगा तो मैं अपना पूरा मतलब वो होम टूर भी कराऊँगी आपको कि मैंने इस घर में आके चीज़ों को कैसे कैसे अरेंज किया है, या हम लोग मतलब कहाँ आए हैं, और सारी डिटेल दूँगी आपको कि अब हम लोग कहाँ रहने आए हैं, बाकी सारी चीज़ें। आज पूरा दिन इस सब काम में लगी रही, तो मेरा चैनल दूसरा चैनल जो है उसका भी कुछ आज का वीडियो वगैरह रेडी नहीं हो पाया है, तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा वो काम भी कर लूँ, वो अभी थोड़ा सा फ्री हूँ तो इस काम को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर ना बादल हो रहे हैं खूब अच्छा तेज़, मतलब खूब जो है एकदम से ही काला काला बादल आने लगा है, मुझे लग रहा है एकदम बारिश ना आ जाए काफ़ी तेज़ वाली। बाकी चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए अगर पसंद आए तो, और शेयर भी किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, कि हम आई नो हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं, हम लोग बहुत रेगुलर वीडियोस नहीं ला पाते हैं, बट सबकी लाइफ में ना अभी फेस चल रहे हैं तो सब लोग उसमें थोड़ा बिजी चल रहे हैं, बट हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग रेगुलर हो पाएँ और आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग से ब्लॉग्स लेकर आ पाएँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर जल्दी से मिलती हूँ आप लोगों के संग होम टूर के साथ। तो चलिए फिर इस ब्लॉग में इतना ही, बाय, टेक केयर।